तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 14 समिति इसकी प्रश्नावली 14.3 करेंगे। प्रश्न एक, किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हों। बच्चों, यहाँ पर हमें ऐसी आकृतियों के नाम बताने हैं और दो आकृतियों के नाम हमने बताने हैं जिसमें रैखिक समिति हो और घूर्णन समिति भी हो, लेकिन घूर्णन समिति क्रम एक से अधिक की होनी चाहिए। तो बच्चों, ऐसी आकृति वर्ग और वृत्त हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों वर्ग को अगर हम देखें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और रैखिक समिति के लिए इसकी जो सममित रेखा होगी यह क्षैतिज रेखा होगी, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी और दो विकर्ण से जाती हुई रेखाएं होंगी। तो बच्चों, वर्ग में रैखिक समिति होती है, और अगर हम घूर्णन समिति देखें इसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति होती है, क्योंकि बच्चों अगर वर्ग को हम 90 अंश से घूर्णन दे देते हैं, 90 अंश से इसको घुमा देते हैं, यह हमें वर्ग ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अगर फिर से 90 अंश से इसको घुमा दें तब भी यह वर्ग ऐसा ही दिखाई देता है, 90 अंश से और घुमाएं तब भी वर्ग ऐसा ही दिखाई देता है, और एक बार और 90 अंश से घुमा दें तब भी वर्ग ऐसा ही दिखाई देता है। तो कुल चार बार 90 अंश से घुमाने से यह 360 अंश घूम जाता है। 360 अंश का एक चक्कर होता है, तो एक चक्कर में यह वर्ग चार बार एक जैसा दिखाई देता है। तो वर्ग की घूर्णन समिति क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति होगी। बच्चों, हम जानते हैं कि वृत्त में रैखिक समिति होती है और इसमें अनंत सममित रेखाएं होती हैं जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं। वृत्त में घूर्णन समिति भी होती है, और वृत्त को हम किसी भी कोण पर अगर हम घुमाएं, वृत्त के प्रत्येक कोण पर घूर्णन समिति होती है, प्रत्येक कोण पर वृत्त वैसा ही दिखाई पड़ता है, तो वृत्त की घूर्णन समिति का क्रम अनंत होता है। तो बच्चों, वर्ग और वृत्त यह दो आकृतियों के नाम हैं जिनमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों होंगी। बच्चों, प्रश्न दो करते हैं। इसमें दिया है, जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। भाग एक, एक त्रिभुज जिसमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हों। ऐसा त्रिभुज का नाम हमने बताना है जिसमें रैखिक समिति भी हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हों। बच्चों, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही होते हैं। बच्चों, रैखिक समिति दिखाने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों, इस त्रिभुज की माध्यिका से जाती हुई रेखाएं अगर हम खींचें, ये हमने माध्यिका से जाती हुई रेखाओं को खींच लिया है। माध्यिका के लिए बच्चों शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को अगर हम मिला दें तो हमें माध्यिका प्राप्त हो जाती है। तो ये माध्यिका से जाती हुई रेखाएं यह इस त्रिभुज के लिए, इस समबाहु त्रिभुज के लिए इसकी सममित रेखाएं होंगी, क्योंकि यह सभी रेखाएं त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेंगी, और अगर हम त्रिभुज को इन सममित रेखाओं के अनुदिश मोड़े तो दोनों भाग एक दूसरे पर जाके मिल जाते हैं। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज में रैखिक सममिति होगी और कुल सममित रेखाओं की संख्या 3 होगी। इसमें घूर्णन समिति भी होती है बच्चों, और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति होती है, तो इसको भी हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं। बच्चों, घूर्णन समिति दर्शाने के लिए हमें इसके शीर्ष पर एक बिंदु लेना होगा, एक बिंदु A ले लेते हैं। बच्चों, अगर हम इस समबाहु त्रिभुज को 120 अंश के कोण से घुमाएं तो हमें त्रिभुज वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन 120 अंश घुमाने से बिंदु A अब बच्चों यहाँ आ जाता है। बच्चों, इस त्रिभुज को 120 अंश का घूर्णन अगर हम और दे दें
120 अंश से अगर हम और घुमा दें तो बिंदु ए बच्चों अब यहाँ आ जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, त्रिभुज वैसा ही दिखाई देता है। अब बच्चों अगर 120 अंश से त्रिभुज को एक बार फिर हम घुमा देते हैं तो एक पूरा चक्कर हो जाता है, लेकिन ए बिंदु अब बच्चों यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर हमने शुरुआत में माना था बिंदु ए अब वहीं पर आ जाता है, त्रिभुज वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो बच्चों एक चक्कर में तीन बार ऐसा हुआ है कि त्रिभुज वैसा ही दिखाई देता है जैसा था, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति है और यह क्रम तीन की घूर्णन सममिति है। भाग दो में दिया गया है एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। बच्चों यहाँ पर रैखिक सममिति होनी चाहिए और घूर्णन सममिति होनी तो चाहिए, लेकिन क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होनी चाहिए। बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी आकृति के लिए कम से कम क्रम एक की घूर्णन सममिति तो होगी ही, और हमने त्रिभुज लेना है, त्रिभुज बताना है जिसमें रैखिक सममिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। बच्चों ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों रैखिक सममिति होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों, इसमें यह दो इस समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं, यह तीसरी भुजा असमान भुजा है, यह दोनों भुजाएं इसकी समान भुजाएं हैं। बच्चों इसके लिए केवल एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा होगी जो कि इसकी सममित रेखा होगी। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज में रैखिक सममिति होती है और इसकी केवल एक सममित रेखा होती है। बच्चों यहाँ पर क्योंकि इस त्रिभुज की तीसरी भुजा असमान भुजा है, तो इस त्रिभुज को 360 अंश का घूर्णन करने से, यानी इसको 360 अंश का घुमाने से यह बिंदु P पुनः अपनी उसी स्थिति पर आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ एक चक्कर में केवल एक बार ही ऐसा होगा कि यह त्रिभुज घुमाने से वैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो इस त्रिभुज के लिए घूर्णन सममिति का क्रम एक होगा। भाग तीन, एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रैखिक सममिति न हो। बच्चों यहाँ पर दिया गया है रैखिक सममिति ना हो, ऐसी आकृति ऐसा चतुर्भुज हमने बताना है जिसमें रैखिक सममिति न हो और जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो। बच्चों अगर आकृति में रैखिक सममिति ना हो तो क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों क्रम एक की घूर्णन सममिति तो सभी चतुर्भुजों में होगी, क्योंकि किसी भी आकृति को हम ले लें उसको एक पूरा चक्कर उसके केंद्र के प्रत्यय घुमाएं, अगर हम किसी चतुर्भुज को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो वह वैसी ही दिखाई पड़ेगी। तो क्रम एक की घूर्णन सममिति तो होगी ही, लेकिन क्रम एक की घूर्णन सममिति हो और चतुर्भुज में रैखिक सममिति न हो ऐसा संभव नहीं है। बच्चों क्रम एक की घूर्णन सममिति तो चतुर्भुज में होगी, लेकिन क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति के लिए चतुर्भुज में रैखिक सममिति का होना जरूरी है। तो बच्चों एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रैखिक सममिति न हो ऐसा संभव नहीं है। बच्चों भाग तीन का उत्तर संभव नहीं है होगा। भाग चार करते हैं, एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। बच्चों यहाँ पर ऐसा चतुर्भुज हमने बताना है जिसमें रैखिक सममिति होनी चाहिए और घूर्णन सममिति होनी चाहिए, लेकिन क्रम एक से अधिक की नहीं होनी चाहिए। बच्चों ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। बच्चों जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भुजाएं होती हैं। आमने सामने की जो समांतर भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा हम खींच लेते हैं। बच्चों यह रेखा
इस समलंब चतुर्भुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इस रेखा के अनुदिश अगर हम इस समलंब को मोड़ें तो पाते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिल जाते हैं। तो बच्चों, इस समलंब चतुर्भुज में रैखिक सममिति होगी और इसमें केवल एक जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यह इसकी सममित रेखा होगी। बच्चों, इस समलंब चतुर्भुज के किसी कोने पर एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ए हमने ले लिया है। बच्चों, इस समलंब चतुर्भुज को 360 अंश के कोण से घुमाने से ऐसा होगा कि यह समलंब चतुर्भुज वैसा ही दिखाई पड़ेगा और किसी कोण पर घुमाने से चतुर्भुज वैसा ही दिखाई पड़े ऐसा नहीं होगा। बिंदु ए 360 के अंश पर इस चतुर्भुज को घुमाने से पुनः अपनी उसी स्थिति पर आ जाएगा। तो एक चक्कर में एक बार ऐसा होगा, यह समलंब चतुर्भुज ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस समलंब चतुर्भुज में घूर्णन सममिति है और यह क्रम एक की घूर्णन सममिति है। प्रश्न तीन, यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। बच्चों, यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर कुछ आकृतियां ऐसी ले लेते हैं जिसमें सममित रेखाएं केवल एक हो या शून्य हो या दो हो, दो से अधिक हो, ऐसी कुछ आकृतियां ले लेते हैं और उसमें उनकी घूर्णन सममिति क्या है यह पता लगाते हैं। बच्चों, हम विषमबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। हम जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं नहीं होती और बच्चों विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसको अगर हम 360 अंश के कोण से घुमाएं तो यह पहले जैसा ही दिखाई देता है। तो पूरे एक चक्कर में एक बार ऐसा होता है कि यह पहले जैसा दिखाई देता है। तो समबाहु त्रिभुज में क्रम एक की घूर्णन सममिति होती है। समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण ले लेते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि इसमें केवल एक ही सममित रेखा होती है। हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि इसकी घूर्णन सममिति भी एक होती है। समबाहु त्रिभुज का उदाहरण लेते हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों, इसमें तीन सममित रेखाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं और इसमें क्रम तीन की घूर्णन सममिति होती है। ऐसा बच्चों हमने पिछले प्रश्न में इनको किया है। एक वर्ग का भी उदाहरण यहाँ पर हम ले लेते हैं। वर्ग की बच्चों चार सममित रेखाएं होती हैं और इसमें क्रम चार की घूर्णन सममिति होती है। एक समलंब का उदाहरण ले लेते हैं, समलंब चतुर्भुज। बच्चों, पिछले प्रश्न में हमने देखा कि इसमें एक सममित रेखा होती है और इसमें क्रम एक की घूर्णन सममिति होती है। बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, इसमें क्रम एक की घूर्णन सममिति होती है और इसमें सममित रेखाओं की संख्या केवल एक होती है। विषमबाहु त्रिभुज लें, इसमें कोई सममित रेखा नहीं होती, इसमें क्रम एक की घूर्णन सममिति होती है। तो बच्चों, अगर किसी आकृति में सममित रेखा नहीं है या केवल एक सममित रेखा है तो यह निश्चित है कि केवल क्रम एक की घूर्णन सममिति होगी। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं हैं, वर्ग में चार सममित रेखाएं हैं। ऐसी और भी आकृति हम ले सकते हैं, जैसे आयत। आयत में दो सममित रेखाएं होती हैं और आयत में क्रम दो की घूर्णन सममिति होती है। समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं होती हैं, वर्ग में चार सममित रेखाएं होती हैं, आयत में दो सममित रेखाएं होती हैं और इनमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होती है। तो बच्चों, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों तो यह जरूरी हो जाता है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। ऐसा हमने उदाहरण लेके भी समझा है कि अगर किसी आकृति में शून्य सममित रेखा है, मतलब सममित रेखा नहीं है, या एक सममित रेखा है, इतना निश्चित है कि उसमें क्रम एक की घूर्णन सममिति होना जरूरी है। अगर दो या दो से अधिक सममित रेखाएं हैं
तो उसमें क्रम एक से अधिक की गुणन समिति होगी। तो प्रश्न में पूछा गया है यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की गुणन समिति होगी। बच्चों इसका उत्तर हाँ होगा, क्योंकि केंद्र से जाने वाली प्रत्येक रेखा एक सममित रेखा होती है और केंद्र से इसकी गुणन समिति संभव है। बच्चों अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न चार, रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों यहाँ पर एक सारणी दी गई है, हमने इस सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है। प्रथम स्तंभ में आकार दिया गया है वर्ग, आयत, सम, चतुर्भुज, समबाहु, त्रिभुज, सम, षटभुज, वृत्त, अर्धवृत्त। द्वितीय स्तंभ में घूर्णन का केंद्र हमें इसको भरना है, यह दिया गया है। तृतीय स्तंभ में घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा, इसको हमने भरना है। चतुर्थ स्तंभ में घूर्णन का कोण इन आकृतियों के लिए क्या होगा, इनको हमने रिक्त स्थान में भरना है। बच्चों वर्ग का घूर्णन का केंद्र क्या होगा, यह हमने रिक्त स्थान में भरना है। तो बच्चों ये हमने वर्ग बना लिया है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका घूर्णन का केंद्र विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ये विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु इसका घूर्णन का केंद्र होगा। बच्चों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु के परिधेय अगर इस वर्ग को 90 अंश के कोण से अगर इसको घुमाते हैं और ऐसा हम एक पूरे चक्र में चार बार करते हैं, चार बार इसको 90 अंश के क्रम से क्रमशः घुमाते हैं, हमें वर्ग ऐसा ही दिखाई पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि घूर्णन समिति का क्रम वर्ग का चार होता है। और यहाँ पर घूर्णन का कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि 90 अंश से बार बार एक चक्कर में इसको चार बार घुमाने से वर्ग ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, एक पूरे चक्कर में चार बार घूर्णन का कोण 90 अंश का होगा। आयत के लिए घूर्णन का केंद्र, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत के लिए घूर्णन का केंद्र विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। घूर्णन समिति का क्रम इसका 2 का होता है, घूर्णन का कोण 180 अंश का होगा। अगर हम आयत को 180 अंश के कोण से घुमाएं तो वह पहले जैसा दिखाई देता है, पुनः 180 अंश का कोण से घुमाने से यह फिर से ऐसा ही दिखाई पड़ता है। और बच्चों एक चक्कर में यानी 360 अंश कोण से घुमाने में दो बार ऐसा होता है कि यह आयत वैसा ही दिखाई पड़ता है, तो इसका घूर्णन समिति का क्रम 2 का होगा, घूर्णन का कोण 180 अंश का होगा। बच्चों समचतुर्भुज, इसमें घूर्णन का केंद्र विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा और इस केंद्र के प्रत्यय एक पूरा चक्कर के लिए दो बार ऐसा होगा 180 अंश के कोण से घुमाने से कि यह समचतुर्भुज पहले जैसा ही दिखाई देगा, तो घूर्णन समिति का क्रम 2 का होगा और घूर्णन का कोण 180 अंश का होगा। तो रिक्त स्थान भर लेते हैं, घूर्णन का केंद्र इसमें विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, घूर्णन समिति का क्रम 2 का होगा और घूर्णन का कोण 180 अंश का होगा। अगला आकार समबाहु त्रिभुज का दिया गया है। बच्चों हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। घूर्णन का केंद्र माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, माध्यिका बच्चों शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को अगर हम मिला दें तो माध्यिका हमें मिल जाती है। जैसा हम चित्र में देख रहे हैं कि घूर्णन का केंद्र इसका समबाहु त्रिभुज का माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। बच्चों अगर हम इस समबाहु त्रिभुज को इस केंद्र के प्रत्यय क्रमशः 60 अंश के कोण से घुमाएं तो 360 अंश के कोण से घुमाने में एक चक्कर पूरा घुमाने में 60 अंश के कोण से बार बार तीन बार हम घुमाएंगे तो तीनों बार ऐसा होगा कि यह समबाहु त्रिभुज पहले की तरह दिखाई पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक पूरे चक्कर में तीन बार यह पुनः ऐसा ही दिखाई पड़ता है 60 अंश के कोण से घुमाने से। तो घूर्णन का कोण 60 अंश का होगा और घूर्णन समिति का क्रम 3 का होगा। बच्चों अगला आकार सम षटभुज का दिया गया है। हम जानते हैं कि सम षटभुज की 6 भुजाएं होती हैं और यह 6 भुजाएं बराबर होती हैं। ये सभी भुजाएं 6 भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। सम षटभुज का
घूर्णन का केंद्र इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। और बच्चों सम षटभुज को 60 अंश से अगर हम घुमाएं और 6 बार इसको क्रमशः 60 अंश के कोण से घुमाएं तो पुनः यह ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक चक्कर में 6 बार ऐसा होगा कि 60 अंश के कोण से घुमाने से यह ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि घूर्णन का कोण 60 अंश का होगा और घूर्णन समिति का क्रम 6 का होगा। अगली आकृति वृत्त की दी गई है। बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र ही घूर्णन का केंद्र होगा और इसको केंद्र के प्रत्येक किसी भी कोण से घुमाएं, ऐसे अनंत कोण हो सकते हैं कि किसी भी कोण से घुमाएं तो हमें वृत्त पुनः वैसा ही दिखाई देता है। तो घूर्णन समिति का क्रम अनंत होगा और घूर्णन का कोण प्रत्येक बिंदु पर ऐसा हम रिक्त स्थान में बनेंगे, या हम कह सकते हैं प्रत्येक कोण घूर्णन का कोण होगा। तो घूर्णन के केंद्र के लिए हम रिक्त स्थान में केंद्र भरेंगे, यह वृत्त का केंद्र ही घूर्णन का केंद्र होगा। घूर्णन समिति का क्रम अनंत होगा और घूर्णन का कोण प्रत्येक बिंदु पर। अगली आकृति बच्चों अर्धवृत्त की दी गई है। अर्धवृत्त के लिए घूर्णन का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होगा। बच्चों यहाँ पर घूर्णन समिति का क्रम 1 होगा और घूर्णन का कोण 360 अंश होगा, क्योंकि एक पूरा चक्कर यानी 360 अंश के कोण में एक बार ही ऐसा होगा यह अर्धवृत्त ऐसा ही दिखाई देगा। 360 अंश के कोण से इस अर्धवृत्त को घुमाने से यह अर्धवृत्त ऐसा ही दिखाई देगा। तो घूर्णन समिति का क्रम 1 होगा और घूर्णन का कोण 360 अंश होगा। प्रश्न 5, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। बच्चों ऐसे चतुर्भुज वर्ग हो सकता है और आयत हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है। बच्चों वर्ग में हम जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चार सममित रेखाएं होती हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। एक रेखा इसकी क्षैतिज रेखा होती है जो कि इसके बीच से होकर जाती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है यह भी इसके बीच से होकर जाती है, दो रेखाएं इसकी विकर्ण से जाती हुई रेखाएं होती हैं। तो बच्चों वर्ग में रैखिक सममिति होती है और इस वर्ग को अगर हम 90 अंश के कोण से घुमाएं तो यह ऐसा ही दिखाई पड़ता है, फिर से 90 अंश के कोण से घुमाएं तो यह ऐसा ही दिखाई पड़ता है, और ऐसा हम चार बार 90 अंश के कोण से अगर हम घुमाएं तो वर्ग ऐसा ही दिखाई पड़ता है, और एक चक्कर में चार बार वर्ग पुनः ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो हम कहते हैं कि इसकी घूर्णन समिति क्रम 4 की होती है, क्योंकि बच्चों चार बार 90 अंश के कोण से घुमाने के बाद वर्ग पुनः अपनी उसी स्थिति में आ जाता है, लेकिन हमें एक चक्कर में चार बार ऐसा प्रतीत होता है कि यह वर्ग वैसा ही है। इसी तरह से आयत में भी रैखिक सममिति होती है, आयत में दो सममित रेखाएं होती हैं क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा जो इस आयत को दो बराबर भागों में बांटती हैं, यह इसकी सममित रेखाएं होती हैं। तो आयत में रैखिक सममिति होती है और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होती है। आयत में क्रम 2 की घूर्णन सममिति होती है, आयत को अगर हम 180 अंश से घुमाएं तो यह आयत ऐसा ही दिखाई पड़ता है, और पुनः 180 अंश के कोण से घुमाने से अब यह आयत की स्थिति पहले जैसी हो जाती है, ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो एक चक्कर में यानी 360 अंश के कोण में दो बार ऐसा होता है कि आयत वैसा ही दिखाई पड़ता है, तो आयत की घूर्णन सममिति का क्रम 2 का होता है। बच्चों सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और यह समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज के विकर्ण से जाती हुई रेखाएं इसकी सममित रेखाएं होती हैं। तो कुल सममित रेखाएं 2 सममित रेखाएं होती हैं जो कि इसके विकर्ण से जाती हुई रेखाएं होती हैं। सम चतुर्भुज में रैखिक सममिति होती है और इसकी घूर्णन सममिति क्रम 2 की होती है। सम चतुर्भुज को अगर हम 180 अंश के कोण से घुमाएं ऐसा ही दिखाई पड़ता है, फिर से 180 अंश के कोण से घुमाने से ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो बच्चों 360 अंश के कोण से यानी एक चक्कर घुमाने में दो बार यह ऐसा ही दिखाई पड़ता है।
तो हम कहते हैं कि समचतुर्भुज की गुणन समिति का क्रम दो होता है और 180 अंश के कोण से दो बार घुमाने के बाद समचतुर्भुज की स्थिति पुनः वैसी हो जाती है जैसा कि शुरुआत में थी। प्रश्न 6, किसी आकृति को उसके केंद्र के प्रत्यय 60 अंश के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है, इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है? बच्चों, यह कौन सी आकृति हो सकती है पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। यह हमने ऐसी आकृति लेनी है कि उसको उसके केंद्र के प्रत्यय 60 अंश के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। बच्चों, यह आकृति समषट्भुज हो सकती है। समषट्भुज की 6 भुजाएं होती हैं, यह 6 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने एक समषट्भुज यहाँ पर खींच लिया है। बच्चों, इस समषट्भुज के घूर्णन का केंद्र इसके विकर्णों का मिलान बिंदु होगा। बच्चों, हम एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, बिंदु A, इसके एक शीर्ष पर। इस आकृति को बच्चों अगर हम दक्षिणावर्त दिशा में अगर हम 60 अंश के कोण से घुमाएं तो यह बिंदु A अब इस शीर्ष पर आ जाता है। फिर से इस आकृति को, इस समषट्भुज को 60 अंश से अगर हम और घुमा दें दक्षिणावर्त दिशा में, अब यह बिंदु अब इस शीर्ष पर आ जाता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। बच्चों, 60 अंश का फिर से इस आकृति को घुमा देने से अब यह बिंदु A इस शीर्ष पर आ जाता है, इस अगले शीर्ष पर आ जाता है जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। बच्चों, फिर से इसको 60 अंश का कोण से घुमा देने से इस आकृति को अब बिंदु A अगले शीर्ष पर आ जाता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। बच्चों, 60 अंश का कोण से फिर से घुमा देने से इस समषट्भुज को बिंदु A अगले शीर्ष पर आ जाता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। बच्चों, आकृति को एक बार 60 अंश का कोण से और घुमा देने से अब बिंदु A उसी शीर्ष पर आ जाता है जहां से यह शुरुआत में था जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो बच्चों, 360 अंश के कोण या एक चक्कर पूरा घुमाने में इस समषट्भुज को 6 बार ऐसा हुआ है कि यह 60 अंश के कोण से घुमाने से इस समषट्भुज की स्थिति प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। बच्चों, अभी हमने देखा एक तो 60 अंश के कोण पर घुमाने से वह पहले जैसा ही दिखाई देता है, इस समषट्भुज की प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई पड़ती है। तो बच्चों, 360 अंश को अगर हम 6 से भाग करें तो 60 अंश आ जाता है। 60 अंश गुणा 6 बराबर 360। बच्चों, एक कोण तो 60 अंश का है, 60 गुणा 1 बराबर 60 अंश। दूसरा कोण बच्चों 60 गुणा 2 बराबर 120 अंश का हो सकता है। तो दूसरा कोण 120 अंश का हम इसको सत्यापित करके देखेंगे। तीसरा कोण बच्चों 60 गुणा 3 बराबर 180 अंश का हो सकता है। बच्चों, चौथा कोण 60 गुणा 4 बराबर 240 अंश का हो सकता है। पांचवा कोण 60 गुणा 5 बराबर 300 अंश का हो सकता है। छठा कोण 60 गुणा 6 बराबर 360 अंश का हो सकता है। तो बच्चों, आकृति को 60 गुणा n बराबर 60 एन अंश के कोण से घुमाने से यह आकृति उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देगी। यहाँ पर एन बराबर 1, 2, 3, 4 यह संख्याएं हो सकती हैं। बच्चों, बिंदु A को इसके शीर्ष पर मान लेते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस आकृति को हम 120 अंश के कोण से अगर घुमाते हैं तो यह बिंदु A यहाँ पर आ जाता है, आकृति वैसी की वैसी दिखाई देती है। बच्चों, इस आकृति को 120 अंश के कोण से दोबारा घुमाने से दक्षिणावर्त दिशा में अब बिंदु A इस स्थिति पर आ जाता है जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आकृति वैसी की वैसी दिखाई देती है। इस आकृति को 120 अंश का कोण से फिर से घुमाने से बिंदु A अब पुनः उसी स्थिति पर आ जाता है जहां पर शुरुआत में था और आकृति वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। तो बच्चों, स्पष्ट है कि इस आकृति को 360 अंश के कोण
के घुमाने के दौरान ऐसा 3 बार हुआ है कि आकृति अपनी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। बच्चों अभी हमने देखा 60 अंश के कोण के लिए, 120 अंश के कोण के लिए आकृति को घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। अब हम अगला कोण 180 अंश का ले लेते हैं। बिंदु को इस शीर्ष पर मान लेते हैं जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। आकृति को 180 अंश का कोण से घुमाने से आकृति ऐसी की ऐसी दिखाई देती है। बिंदु A अब यहाँ पर आ जाता है। बच्चों आकृति को अब अगर 180 अंश के कोण से और घुमा देते हैं तो यह बिंदु पुनः उसी स्थिति पर आ जाता है। तो एक पूरे चक्कर में 2 बार ऐसा हुआ है कि यह आकृति ऐसी ही दिखाई देती है। और बच्चों एक पूरे चक्कर में 2 बार ऐसा होता है कि आकृति ऐसी की ऐसी ही दिखाई देती है। बच्चों इसके बाद हम कोण 360 अंश का ले लेते हैं। अभी हमने 60 अंश का, 120 अंश का, 180 अंश का कोण इसके लिए हमने सत्यापित किया है। 360 अंश का कोण ले लेते हैं। बच्चों 360 अंश के कोण में 360 अंश का कोण ऐसा एक बार होगा कि 360 अंश का कोण से घुमाने से यह आकृति पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। बच्चों बिंदु A को हम इस शीर्ष पर ले लेते हैं। 360 अंश का कोण से घुमाने से अब यह बिंदु A अपनी पुनः उसी स्थिति पर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 360 अंश यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में एक बार ऐसा हुआ है कि यह आकृति वैसी ही दिखाई देती है। बच्चों इस आकृति के लिए हमने देखा कि 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश और 360 अंश के कोण ऐसे हैं कि बिंदु A पुनः अपनी उसी स्थिति पर आ जाता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। 60 अंश के कोण के लिए 6 बार 60 अंश के कोण से घुमाने से बिंदु A पुनः उसी स्थिति पर आ जाता है। 6 बार ऐसा हुआ है कि आकृति पहले जैसी दिखाई दी है। 120 अंश के कोण से बिंदु A पुनः अपनी उसी स्थिति में आ जाता है। 120 अंश के कोण से 3 बार इस आकृति को घुमाने से, 180 अंश का कोण से घुमाने से 2 बार एक पूरे चक्कर में ऐसा होता है कि यह आकृति पुनः ऐसी ही दिखाई पड़ती है। A बिंदु पुनः अपनी उसी स्थिति पर आ जाता है। 360 अंश के कोण से घुमाने से एक पूरे चक्कर में एक बार ऐसा होता है, पुनः आकृति ऐसी दिखाई पड़ती है, बिंदु A पुनः उसी स्थिति पर आ जाता है। अब बच्चों अन्य कोण ले लेते हैं। 240 अंश, 300 अंश ऐसे और भी कोण होंगे जैसे कि 60 गुणा 7 बराबर 420 अंश। तो ऐसे कोण अन्य भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर देखेगा यह आकृति उसकी अपनी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है अगर हम इन कोणों से इस आकृति को घुमाएं। बच्चों इस आकृति को हम 240 अंश के कोण से अगर घुमाते हैं तो बिंदु A बच्चों अब इस शीर्ष पर आ जाता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। 240 अंश का कोण से घुमाने के बाद अब 240 अंश का कोण से फिर से इस आकृति को घुमाते हैं तो बिंदु A अब बच्चों इस स्थिति पर आ जाता है जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। आकृति वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। 240 अंश का कोण से फिर से अगर इस आकृति को घुमाते हैं तो बिंदु A की स्थिति इस शीर्ष पर होगी, आकृति वैसी की वैसी ही दिखाई देगी। बच्चों इसी तरीके से हम अन्य कोणों के लिए भी दिखा सकते हैं। 300 का कोण, 420 अंश का कोण, 480 अंश का कोण, इन सभी कोणों से घुमाने से आकृति अपनी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। तो बच्चों इस आकृति के लिए 120 अंश, 180 अंश, 240 अंश, 300 अंश, 360 अंश, 420 अंश, 480 अंश आदि ऐसे कोण हो सकते हैं। प्रश्न 7, क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हों, भाग 1 45 अंश, भाग 2 17 अंश। बच्चों भाग 1 में कोण 45 अंश का दिया गया है। बच्चों अभी तक हमने इस प्रश्नावली और पिछली प्रश्नावली इनके प्रश्न किए हैं तो हमने इनमें क्या देखा है, इनमें हमने देखा है कि घूर्णन समिति के क्रम 1, 2, 3, 4 आदि हो सकते हैं। घूर्णन समिति का क्रम 1 होगा तो उस आकृति का घूर्णन कोण 360 अंश बटा 1 बराबर 360 अंश होता है। घूर्णन समिति का क्रम अगर 2 होता है तो उसके लिए कोण
360 अंश बटा 2 बराबर 180 अंश होता है। गुणन समिति का क्रम 3 के लिए गुणन कोण 360 अंश बटा 3 बराबर 120 अंश का होता है। गुणन समिति का कोण 90 अंश का होता है अगर गुणन समिति का क्रम 4 होता है। गुणन समिति का क्रम अगर 5 होता है तो गुणन कोण 72 अंश का होता है। गुणन समिति का क्रम अगर 6 है तो उसके लिए गुणन कोण 60 अंश का होता है। इसी तरह से बच्चों हम अन्य गुणन समिति के लिए गुणन कोण क्या होगा यह हम प्राप्त कर सकते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है बच्चों, गुणन समिति संभव होगी अगर कोण 360 अंश से विभाज्य है। बच्चों यहाँ पर 45 अंश का कोण दिया गया है क्योंकि यह कोण 360 अंश से विभाज्य है। 360 अंश को 45 अंश से भाग दे तो 8 आता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यदि गुणन का कोण 45 अंश है तो गुणन समिति संभव है क्योंकि 360 अंश का कोण 45 अंश से विभाज्य है। बच्चों भाग 2 में कोण 17 अंश का दिया गया है। बच्चों 360 अंश को अगर 17 अंश से हम भाग दें तो यह विभाज्य नहीं है क्योंकि हमें पूर्ण अंक नहीं मिलता। तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि गुणन का कोण 17 अंश है तो गुणन समिति संभव नहीं है क्योंकि 360 अंश का कोण 17 अंश से पूर्णतया विभाजित नहीं हो सकता है। बच्चों तिवारी अकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।